Thank you.
कोई ज्ञान के पॉइंट से अटक मारते हो तो अभी टाइम मिल रहा है, हो सकता है आगे टाइम ये न भी मिले। बाबा, हाँ जी, हाईवे जो कंट्री है और बैंकॉक जो सिटी है, तो बैंकॉक में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम है सुवर्ण भूमि, और वहाँ पे जो समुद्र मंथन किया है, जो अपना हिंदू रिलीजियस में जो है ना, वो पूरा बनाया हुआ है चित्र, वहाँ पे सीनरी बनाई हुई है, और जो वहाँ पे रोड है वो रोड सब रोड के नाम राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड, राम फोर्थ, राम फिफ्थ, और बैंक का नाम भी अयोध्या बैंक है। तो ये अपने ज्ञान से वो वहाँ कैसा हुआ, वो तो बैंकॉक का तो ज्ञान से मिलती जुलती बात बन जाए तो परेशानी क्या है। दुनिया में सन सिटी बने, वो तो नाम रख देते हैं सन सिटी, लेकिन प्रैक्टिकल में तो सूर्य का सिटी नहीं है, प्रैक्टिकल में भी तो चाहिए ना। वो हैं ऊपर के सूरज चांद सितारे आकाश के, जड़ सितारे, जड़ सूर्य, जड़ चंद्रमा, उनको भारतीय परंपरा में शास्त्रों में परसानिफिकेशन किया गया है, व्यक्ति का नाम दिया गया है, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवता, नाम दिए गए हैं ना। तो नाम शरीर के ऊपर होते हैं या आत्मा के नाम होते हैं? शरीर के नाम होते हैं। इससे साबित होता है कि ऊपर के जो 9 लाख सितारे हैं वो जड़ सितारे हैं, और नीचे के जो आत्मा रूपी सितारे हैं वो चैतन्य सितारे हैं, वो स्थूल रोशनी देते हैं, और ये धरती के चैतन्य सितारे ज्ञान की रोशनी देते हैं। कब देते हैं ज्ञान की रोशनी? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ये आत्मा रूपी सितारे कहो, आत्मा रूपी बैटरीज कहो, ये ज्ञान की रोशनी देने लग पड़ती है। जब विनाश होगा तो सारी दुनिया में ये 9 लाख सितारे ज्ञान की रोशनी फेंकेंगे। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, ज्ञान की रोशनी से अभिभूत होकर के अपनी आत्मा का उत्थान करेंगी, आत्मिक स्वरूप में टिकेंगी। तो संसार में ये अजूबा गरूबा अभी बहुत होते रहेंगे, बहुत कुछ बातें देखने में आवेंगी, संसार की बातें होंगी स्थूल रूप में, और उनका चैतन्य रूप में, सूक्ष्म रूप में अक्सर हम ब्राह्मणों की दुनिया में देखने में आवेगा। 500 करोड़ की दुनिया, उसका छोटा रूप देखना हो तो ब्राह्मणों की 9 लाख दुनिया के अंदर देखा जा सकता है। ये 9 लाख आत्माएं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माएं हैं। जैसे आसमान में सितारे होते हैं तो कुछ सितारे राकेश अर्थात चंद्रमा के रहबरी में चमक मारते हैं, और कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सूर्य की रोशनी में अपनी चमक को सूर्य के अंदर तिरोहित कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आसमान में दिन में सितारे नहीं होते होंगे? ऐसा होता है क्या कि रात में ही सितारे होते हैं आसमान में और दिन में सितारे नहीं होते? दिन में भी सितारे होते हैं, लेकिन वो सूर्यवंशी सितारे हैं, वो सूर्यवंशी सितारे अपने को नहीं प्रत्यक्ष करते। किसको प्रत्यक्ष करते हैं? अपने बाप को प्रत्यक्ष करते हैं।
वो परंपरा भारत में अभी तक चली आ रही है। बाप का नाम देते हैं और कंपनी के पीछे एंड संस लगाई देते हैं, बच्चों का नाम नहीं देते। किसका नाम देते? बाप का नाम देते। ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? अभी संगम युग से ये शुरुआत होती है। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं उस समय ये सब रीति रस्म रिवाज तैयार होते हैं, जो भक्ति मार्ग में 2500 साल मनाए जाते हैं। इस शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहाँ की यादगार है? अभी इस समय की यादगार है जब भगवान इस सृष्टि पर आता है। अभी रामायण की सच्ची कथा चल रही है, राम सीता की प्रैक्टिकल कहानी चल रही है, अभी महाभारत कथा भी चल रही है, भागवत कथा भी चल रही है, कृष्ण की आत्मा प्रैक्टिकल में पार्ट बजाई रही है। ज्ञान की दृष्टि से ही उनको पहचाना जा सकता है। इन आंखों से आत्मा पहचान में नहीं आएगी, आत्मा का पार्ट भी पहचान में नहीं आएगा, परमात्मा बाप भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है, तीसरे नेत्र से। इसलिए वो त्रिनेत्री बाप कहा जाता है, जिसमें शिव प्रवेश करता है वो शिव नेत्र है। हमको हमारी पहचान देने आया हुआ है, तुम कौन से सितारे हो? सूर्यवंशी सितारे हो या चंद्रवंशी सितारे हो या इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन इन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सितारे हो? क्योंकि भारतवासी ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। अगर दूसरों से प्रभावित होने वाले हो तो बाप की बात पर उतना विश्वास नहीं बैठेगा। ज्ञान सूर्य बाप बुद्धि में उतना प्रत्यक्ष नहीं होगा। अगर असल बाप की असल औलाद हो तो बाप की बातें ही अच्छी लगेंगी, दुनिया में किसी की भी बात अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी ऐसे अजूबे गरूबे बहुत निकलने वाले हैं जिनसे ये ज्ञान साबित हो जाएगा। पहले भी निकले हुए हैं, मुसलमानों में अभी भी रामल्ला की यादगार चल रही है। एक महीने का जो व्रत रखते हैं उसका भी नाम क्या है? रामजान। और बाबा ने ये बोला है माउंट आबू में जो मुरली चलाई गई उसमें बोला है कि जो कागज से मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं और बुद्धि में वो चेहरा याद आता है कि ये मुरली किसने सुनाई, पढ़ने और सुनने से याद आता है ना, तो वो है थर्ड क्लास। और टैप रिकॉर्डर में वो ही मुरली सुनते हैं वो है सेकंड क्लास। क्यों? नहीं नहीं, टैप रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्ड ज्यों का त्यों सुनाता है। कागज में जो पढ़ेंगे और पढ़ करके सुनाएंगे, शॉर्ट हैंड करने वाले ने कुछ गलतियां की होंगी, फिर साइक्लो स्टाइल करने वाले ने कुछ गलतियां की होंगी, और जो सुनाने वाला है वो भी अपने वाइब्रेशन अपनी दृष्टि के अनुसार उसको सुनाएगा। प्रिंट करने वाले भी गलती कर सकते हैं,
प्रूफ रीडिंग करने वाले भी गलती कर सकते हैं, इसलिए वो थर्ड क्लास है। वही वाणी अगर टैप रिकॉर्ड में सुनेंगे तो टैप रिकॉर्ड तो ज्यों का त्यों हूबहू वही वचन सुनाएगा जो माउंट आबू में ब्रह्मा के मुख से बोले गए हैं, इसलिए सेकंड क्लास है। और टैप रिकॉर्ड में जो वाणी है वही वाणी अगर टेलीविजन में देखने को मिल जाए और पक्का ये निश्चय बुद्धि में बैठा हुआ हो ये वाणी चलाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो वो गुड सेकंड क्लास है। क्यों? क्योंकि टैप रिकॉर्ड में हाव भाव देखने को नहीं मिलेंगे और टेलीविजन में हाव भाव देखने को मिलेंगे। टैप रिकॉर्ड में दृष्टि नहीं मिलेगी कि फोर्सफुल दृष्टि है या कमजोर दृष्टि है या हल्की दृष्टि है, सुखमयी दृष्टि है, आनंदमयी दृष्टि है या क्रोधमयी दृष्टि है। लेकिन टेलीविजन में अनुभव में आ देगा, गुड सेकंड क्लास। लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास वो है कि जब बुद्धि में ये बैठ जाए कि अमुक मुकर्रर रथधारी यही परमात्मा बाप का पार्ट है, यही राम वाली आत्मा है और कोई दूसरी राम वाली आत्मा नहीं हो सकती, यही राम वाली आत्मा अभी कलयुग के अंत में आकर के देव देव महादेव शंकर का पार्ट बजाती है और इसमें चंद्रमा के रूप में चंद्रवंश को उत्पन्न करने वाली कृष्ण की सोल विराजमान है। तो ये बात बुद्धि में बैठने से पक्का हो जाएगा, यही शिव नेत्रधारी परमपिता परमात्मा शिव है जिसकी हम डायरेक्ट वाणी सुनते हैं। तो उस डायरेक्ट वाणी का प्रभाव फर्स्ट क्लास होगा। जो सन्मुख मुरली सुनने वाले हैं उनके लिए बोला है कि मेरे मुख से दो वाक्य भी सुने तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, मेरे मुख से सन्मुख आकर के। गीता में भी रामायण में भी ये बातें बोली हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघ नाशय तबही। जीवात्मा जब मेरे सन्मुख हो जाती है तो उसके अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, सन्मुख होने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं। और पुरुषार्थ करेगी तब तो जरूर राजाओं का राजा बनेगी। भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं तो और क्या चाहिए। राजयोग का नाम बहुत बाला है, राजयोग से ही राजाएं बने हैं, नहीं तो जन्म जन्मांतर इन राजाओं को राजा ही करना किसने सिखाया। डॉक्टरों को डॉक्टरी करना सिखाया जाता है कॉलेज में, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है कॉलेज में, इन राजाओं को राजा ही करना किसने सिखाया, कब सिखाया। ये कंट्रोलिंग पावर किसने भरी, किसी ने तो भरी होगी, सब क्यों नहीं राजाएं बन जाते। तो ये राजयोग है जो परमपिता परमात्मा आकर के कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में इस टाइम पर आकर के सिखाते हैं। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार होते हैं। बाकी स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी सन्मुख आकर के सुनेंगे पहचानेंगे जानेंगे
वो जीते जी युधिष्ठिर की तरह स्वर्ग में जावेंगे। और आपने बताया मामा के समूह जाने के सब पाप बस को हो जाते हैं, क्योंकि फोटो में लिखने की क्या जरूरत है? सन्मुख दो प्रकार का होता है, एक होता है सन्मुख के सन्मुख आकर के बैठ गया, भगवान के यज्ञ में आकर के सरेंडर हो गया, अर्पित हो गया, तन भी अर्पण कर दिया, धन भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया। लेकिन जब परीक्षा होती है तो पता चलता है न तन पूरा अर्पण किया है, कुछ कुछ FD बचा के रख लिए हैं, न तन पूरा अर्पण किया है, तन किसी को पहले ही दे रखा है, उसकी अंदर अंदर याद आती रहती है, बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए ये दिखाते हैं कि हमने भगवान के यज्ञ में सारा तन अर्पण कर दिया है। बाप कहते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ है, कोई गलती हुई है, तो पोता में लिख करके देंगे सच्चाई से, दिल से, तो आधा माफ हो जाएगा, आधा याद के बल से खत्म हो जाएगा। तो सन्मुख के दो अर्थ हैं, एक होता है अंदर से कोई विरोधी संकल्प न चले, सत्यमुख होकर के रहे, जो बाप की भाषा सो बच्चे की भाषा, जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, तो उसको कहेंगे सन्मुख। और रोज सामने आकर के बैठ जाए, और बहुत सेवा करता रहे, और मन में राम बगल में छुरी, तो उसको सन्मुख कहेंगे, विमुख कहेंगे, वो तो विमुख हो गया। इसलिए ये हिसाब बनाया हुआ है अपने मन के मैल को साफ करने का, कि अपने आप अपनी स्वेच्छा से जिसे भगवान समझते हो उसके सामने अपने किए हुए जन्म के पापों को लिख करके रख दो। वो कचरा आपस में एक दूसरे के सामने फैलाने की जरूरत नहीं, कचरा अगर फैलाया जाता है तो बदबू बढ़ेगी या खुशबू बढ़ेगी? बदबू बढ़ती जाएगी, इसलिए वो कागज में लिखो और बाप के सामने रख दो। ऐसे नहीं किसान में आके बैठ गए तो सन्मुख हो गए। और जो गीता बनी है उस गीता में ढेर श्लोक ऐसे आए हैं जिन श्लोकों से ये साबित होता है कि गीता ज्ञान देने वाला साकार नहीं है, गीता ज्ञान देने वाला निराकार है। और जो परवर्ती विदेशी विद्वान हुए हैं, जो खोजी होते आविष्कार करने वाले होते हैं, उन्होंने भी अपने धर्म ग्रंथ अपने ग्रंथों में ये बात लिख करके रखी हुई है, कीथ ने कीरो ने, कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण उपासना करने वालों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण भगवान वाचन लिख दिया। वास्तव में जो साकार देहधारी है, देह की याद करने वाला है, देह की स्मृति में टिकने वाला है, वो गीता ज्ञान दाता नहीं हो सकता।
वो भगवान नहीं हो सकता, वो इस सृष्टि का पहला पत्ता हो सकता है। 500-700 करोड़ पत्तों वाली जो मनुष्य सृष्टि है, उस सृष्टि का पहला पत्ता होगा, लेकिन उस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज नहीं हो सकता। जिस बीज में परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके गीता के रोम रोम को जानने वाला प्रत्यक्ष हो जाता है, और वो कहा जाता है गीता पति भगवान। पति होता है वो पत्नी के रोम रोम को जानता है या नहीं है, या बच्चा जानता है? पति ही जानता है। तो ये जो गीता ज्ञान है, वो गीता का ज्ञान उसके चप्पे चप्पे को जानने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा बाद में प्रत्यक्ष होता है। यज्ञ के आज में उसने सिर्फ गीता ज्ञान का बीज डाला, आम बीज प्रदपिता, जो गीता में कहा गया है मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो आज से 70 साल पहले परमपिता परमात्मा शिव ने राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा अंतिम जन्म में ज्ञान का बीज बोया था। उस बीज को धारण करने वाली दो माताएं थी, एक माता जगत माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, जिसकी यादगार में आज भी मिस वर्ल्ड के टाइटल दिए जाते हैं, और दूसरी माता वो थी जो भारत माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी, जिसकी यादगार में मिस इंडिया का टाइटल दिया जाता है। मुरली में भी बोला हुआ है मिस इंडिया है तो विदेशों में क्यों चक्कर काटती है, भारत की सेवा करना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले से ही इशारा दे दिया कि भारत माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली शक्ति विदेश में है। छोटी माँ जो भी भारत के राजाएं होते थे प्राचीन काल में, जब सभा लगा के बैठते थे तो एक ऊंची गद्दी बाजू में होती थी, जिसमें राजमाता सुशोभित होती थी, राजा की माँ, और राजा के साथ ही साथ दूसरी जो कुर्सी होती थी, गद्दी होती थी, वो राजलक्ष्मी की होती थी। ये परंपरा वर्तमान संगम युग की परंपरा है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, दो शक्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती हैं, एक जगत माता जगदम्बा के रूप में और दूसरी भारत माता। स्पेशलिटी है, सारे जगत के जितने भी देश विदेश और विधर्मी हैं, उनके स्वभाव संस्कार उसमें मौजूद नहीं होंगे। सिर्फ किसके स्वभाव संस्कार मौजूद होंगे? भारतीयों के स्वभाव संस्कार होंगे। इसलिए ये दो शक्तियां गाई हुई है, भारत माता और जगत माता। जगत माता सारे जगत की माता, उसमें विधर्मी भी आ जाते और स्वधर्मी भी आ जाते, विदेशी भी आ जाते और स्वदेशी भी आ जाते। वो सब की माता है, सबके स्वभाव संस्कार उसके अंदर
तिरोहित हैं। जैसे विदेशियों का स्वभाव संस्कार है, अपने जीवन में एक से संतुष्ट नहीं होंगे, एक शादी करेंगे फिर डाइवोर्स देंगे, फिर दूसरी शादी करेंगे फिर डाइवोर्स देंगे, ये विचार पनपता रहता है। भारतवासियों की ये परंपरा नहीं रही है, ये बात दूसरी है। अभी आखिरी जन्म में आकर के भारतवासी विदेशियों से प्रभावित हो गए हैं, तो विदेशियों से प्रभावित होने के कारण संविधान में ऐसा कायदा कानून बना दिया कि डाइवोर्स की प्रथा पक्की साबित कर दी। नहीं तो भारतवर्ष तो अब भी विचारी देश था। गीता में लिखा हुआ भी है, स्त्रियों में जब प्रदूषण पैदा हो जाता है, विचार पैदा हो जाता है, तो समाज नीचे गिरने लगता है। इसलिए स्त्रियों को खास करके भारतवर्ष में कन्याओं की बहुत सुरक्षा की जाती है, कहीं ऐसा ना हो इसके जीवन में विचार का विष कोई घोल दे। प्रवृत्ति मार्ग की सारी परंपरा ही खराब हो जाएगी। भगवान आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग लक्ष्मीनारायण का स्थापन करते हैं, और ये विदेशी धर्म पिताएं आकर के इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को उच्छेदन कर देते हैं। भारतवासी इस बात को नहीं परख पाते। एक है जगत माता और दूसरी है भारत माता। जगत माता में स्वदेशी संस्कार भी भरे हुए हैं जो बाप के द्वारा भरे जाते हैं, और फिर विदेशियों के भी संस्कार भरे हुए हैं जो विदेशियों के द्वारा भरे जाते हैं। चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, वो सबकी माता है। उसको जगदम्बा कहो, जगत की अम्बा, अथवा ब्रह्मा कहो, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, सारी सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा स्वयं उसमें प्रवेश करता है, इसलिए महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, लेकिन संपूर्ण चंद्रमा नहीं, अधूरा चंद्रमा। वो प्रभावित होती है किससे? चंद्रमा से। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान सूर्य अलग हो गया और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का सहयोगी बन गया। साथ ही साथ और जितने भी धर्म की आत्माएं यज्ञ में इकट्ठी हुई थी, चुनिंदा चुनिंदा सारी सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं, वो सब ब्रह्मा की रहबरी में पलने लगी। और उस यज्ञ माता के प्रभाव से प्रभावित हो गई, आज में भी प्रभावित हुई थी और आज तो अंत में भी प्रभावित हो जाएंगी। आज में जो प्रभावित हुई वो जड़ों के रूप में है, आधार मूर्त है, और अंत में जो प्रभावित हो जाएंगी वो जड़ों के बीज हैं और धर्मों के बीज। मूल बीज से विपरीत आचरण करने वाले हैं, टक्कर लेने वाले हैं। इसलिए बताया कि सेवा
मूल रूप में जिसमें प्रवेश करता है पहली पहली बार, वो ही गीता का भगवान है। और नंबर दो में जिसमें प्रवेश करता है वो गीता का भगवान नहीं है, गीता माता का बच्चा है। माताएं जब बच्ची के रूप में होती हैं तो बाप के अधीन होकर के रहती है। वो बच्ची बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन होकर रहती है। पति खुदान खास्ता शरीर छोड़ दे तो स्वाधीन होकर नहीं रहती, क्या करती है, हैं? बच्चों के अधीन होकर रहती है। आज घर घर में ये स्थिति देखी जा सकती है कि माताओं का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता, सारी बागडोर बच्चों के हाथ में आ जाती है, माँ पराधीन होकर के रह जाती है। हिस्ट्री में देखा जाए अभी तो भगवान बाप जब से आया हुआ है तब से माताओं को मर्तबा मिलना शुरू हुआ है। पहले माताओं को परिवार की संपत्ति में, परिवार के वर्षे में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, और अभी बच्चों के साथ साथ कानूनी तौर पर माताओं को भी हिस्सा दिया जाता है। ये किसका प्रभाव है? ये आए हुए परमपिता परमात्मा शिव का प्रभाव है। वो माताओं का मर्तबा बढ़ाने के लिए आता है। सारी दुनिया माताओं का मर्तबा गिराती है और बाप बढ़ाता है। तो माताओं की माता कौन है? जगदम्बा। उसका मर्तबा तो कितना नीचे गिराया होगा। कहते हैं सीता माता को रावण ले गया, अपनी मुट्ठी में अपने कंट्रोल में जाकर के रखा। ये कहां की यादगार होगी? यहां की यादगार है। भगवान बाप के जो बच्चे बनने वाले हैं वही माँ को अपनी मुट्ठी में लेकर के अपने कंट्रोल में चलाते हैं, और माता ये गलती कर बैठती है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान शिव को भूल बैठी, ब्रह्मा भी भूल बैठा। यज्ञ के आज की हिस्ट्री देखी जाए, मुरलियों को देखा जाए, मुरलियों में स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, हैं? ये ब्रह्मा देवी बुद्धि है। जो ब्रह्मा के मुख से परमात्मा बाप ने बात बोली, वेद वाणी जो शिव ने बोली, उस वाणी के मर्म को ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो कृष्ण की सोल है, कृष्ण की आत्मा है। जो सृष्टि के आदि में पहला पत्ता था, हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है, वो बेबी बुद्धि बच्चा है, अपनी अकल विचार सागर मंथन के रूप में नहीं चलाने योग्य है। बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा होता है, बच्चे की बुद्धि बच्चे मिसल, और बच्चे को ही अगर कोई बाप समझ बैठे और बच्चा माँ को अपने कंट्रोल में कर ले तो इससे बड़ा पाप और कोई होता ही नहीं है। ये न जानने के कारण, अज्ञानता के कारण नास्तिक धर्म में ये बात देखी जाती है। रूस में ये बात अभी भी देखी जाती है। आखिरी धर्म है दुनिया का 100 वर्ष के अंदर। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के टाइम नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है,
बड़ा हुआ स्कूल में डाल दिया, हॉस्टल में, पढ़ लिख के जब तैयार होता है तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। ट्रेनिंग स्कूल से निकलता है तो नेशनल संपत्ति बन जाती है, राष्ट्र की संपत्ति बन जाती है, उससे काम लिया जाता है। उसको यही पता नहीं है हमारी माँ कौन है। तो जब जैसे जानवरों की सस्ती होती है, जानवरों को पता नहीं होता है, बंदरों को पता होता है क्या ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है? इसलिए उनको जानवर बुद्धि कहा जाता है। उन जानवरों ने अपना मर्तबा ऊंचा करने के लिए भगवान को भी जानवरों के अवतार में दिखा दिया, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, घोड़ा अवतार, सिंह अवतार। वास्तव में भगवान तो इस सृष्टि पर आएगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों में प्रवेश करके जानवरों को सुधारेगा। मनुष्य सब प्राणियों में प्रधान है, मनुष्य के अंदर मन है, बुद्धि की प्रधानता है, मनुष्य वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य सुधरता है तो सारी सृष्टि सुधर जाती है वाइब्रेशन से, और मनुष्य बिगड़ता है तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। मिसाल के तौर पर जंगल में रहने वाले जानवर इतने बीमार नहीं होते, और मनुष्य के वातावरण के अंदर पलने वाले जानवर हॉस्पिटलों में जाकर के चक्कर काट रहे हैं। ये किसका प्रभाव हुआ? मनुष्य के वायुमंडल का प्रभाव जानवरों के ऊपर पड़ता है। इसलिए भगवान आएगा तो जानवरों को सुधारेगा या मनुष्यों को सुधारेगा? जानवर ज्ञान सुनेंगे या मनुष्य ज्ञान सुनेगा? तो ये सारी सृष्टि में जो और धर्म बाद में फैले हैं द्वैतवादी युग से, द्वापर युग से, वो सब जानवरियत फैलाने वाले हैं, जबरियन दूसरों को कन्वर्ट करने वाले हैं। भगवान आकर के कोई प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करता, ज्ञान सुनाता है। बुद्धि में बात सच्ची लगे तो स्वीकार करना है, सच्ची न लगे तो स्वीकार नहीं करना है। दूसरों के धक्का देने पर भी स्वीकार नहीं करना। इसलिए स्पष्ट बताई दिया, पुष्करणी ब्राह्मण नहीं बनना है, पुष्क माने धक्का देकर चलाने वाला, सारस्वत ब्राह्मण बनना है, सरस्वती पुत्र बनना है। ज्ञान को बुद्धि में बैठाना, और जब निश्चय हो जाए ये ईश्वरीय ज्ञान है तो उसके आधार पर चलना। मुसलमानों की तरह नहीं, तलवार उठाई बोल हिंदू बनेगा कि नहीं, जनेऊ उतार, नहीं उतारा तो तलवार के घाट उतार दिया। ऐसा कोई धर्म होता है? ये कोई धर्म की धारणा है? अरे धर्म तो वो है जो स्वेच्छा से अपनाया जाए, कोई प्रकार का दबाव नहीं। तो जानवर जो होते हैं वो सींग चलाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, और जो मनुष्य अवतार हैं वो दो ही दिखाए गए हैं, राम और कृष्ण। जो मनुष्य अवतार हैं वो धरणी का आधार लेते हैं, धरणी माने कन्याएं माताएं, और जो जानवरियत के अवतार हैं वो ज्ञान का आधार लेते हैं, जल का आधार, कच्छ मच्छ हैग्रीव सुअर। ये जल में दिखाए जाते हैं, माने उनको ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि हमने ये ज्ञान दिया, हमने ये जनरेशन रची, हम बड़ी जनरेशन वाले हैं, ये छोटी जनरेशन वाले हैं। दुनिया में ज्यादा संख्या कौन से धर्म वालों की होती है? इस्लामी और क्रिश्चियंस की। तो क्या समझते हैं
हमारा धर्म पिता वास्तव में भगवान है। इससे बड़ा कोई धर्म पिता दुनिया में होता ही नहीं। लेकिन नहीं, शेरों की जमात में शेर थोड़े होते हैं या ढेर के ढेर होते हैं, शेर थोड़े होते हैं। तो ये भगवान आता है तो शेरों की जमात बनाता है। इसलिए भारत का टाइगर नेशनल पशु माना जाता है। हमारे यहाँ जो झंडा बनाया जाता है जिसे उठाते समय कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे, उसमें भी तीन शेरों का चित्र दिया जाता है। ये तीन शेर कोई दूसरे शेर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन तीन शेरों ने ये शरीर रूपी वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करके दिखाया था, विश्व विजय करके दिखाई थी। उनमें जगदम्बा भी है, भारत माता भी है। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, सारे जगत में मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। और वैष्णवी देवी शाकाहारी दिखाई जाती है। दो प्रकार की देवियां हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। तो भारतीय जो देवी है, भारत माता जिसे कहा जाता है, वो शाकाहारी है। माना शेष आत्माओं की उसने पालना की है। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा होने के कारण वो एक ही शहर भारत में ऐसा है जिस पर सब धर्म वालों ने कंट्रोल किया है। हर धर्म के लोगों ने अपनी राजधानी जमाई है। कौन सा शहर है? दिल्ली। ये दिल्ली सबकी दिल लेने वाली है। इसके ऊपर विदेशियों ने भी बहुत खून खराबा किया है और राज किया है। वही वास्तव में जगदम्बा का रूप है। वो तो जड़ दिल्ली है। जड़ कोई एक एक की दिल नहीं लेता है, चैतन्य लेता है या जड़ लेता है? चैतन्य लेता है। तो जगदम्बा है जो हर धर्म के बच्चों की पूरी पूरी दिल लेकर के छोड़ती है और नंबर क्लियर हो जाते हैं माला के। कौन अम्बल नंबर का बच्चा, कौन द्वयम नंबर का बच्चा, कौन 108वां नंबर बच्चा। मुंडों की माला गले में दिखाई जाती है। देह अभिमान अलग कर देती है और आत्मा जिस मुंड में वास करती है उसको अलग कर देती है। खास करके 84 घंटों की देवी कही जाती है। कितने घंटों की? 84 जम घंट। ये कौन है? ये वही 84 जम घंट है जिन्होंने यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का आधार लिया था, उस माता का आधार लिया था जो जगदम्बा कही जाती थी। सारे यज्ञ को कंट्रोल करती थी। उसके जाने के बाद फिर ब्रह्मा ने यज्ञ को कंट्रोल किया। ब्रह्मा की बुद्धि में भी बैठा हुआ है क्योंकि वो तो कृष्ण की सोल है। 2500 साल से जब से पूजा का सिस्टम चल रहा है तब से वो सोल देखती चली आई जन्म जन्मांतर
कि गीता का भगवान किसको माना जाता रहा है? 2500 साल मनुष्य सृष्टि में गीता का भगवान कौन प्रत्यक्ष हुआ संसार में मनुष्यों के सामने? कृष्ण। तो उसकी बुद्धि से ये बात जल्दी हटती नहीं है कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, और उसकी बुद्धि से नहीं हटती तो माँ जो है वो बच्चे की तरफ आकर चौकर रहती है। खास करके कलयुगी माताएं तो ऐसी होती है, बाप की मट्टी पलीत कर देंगी और बच्चों को बहुत तरजीह देंगी। ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? वर्तमान ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में जो शूटिंग हो रही है वहां से ये परंपरा पड़ती है। तो एक है कृष्ण की गीता जगदम्बा, और एक है शिव की गीता। शिव की गीता में शिव ही उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। जिसके दिल में शिव शंकर भोलेनाथ की प्रैक्टिकल रूप में छाप है वो है शिव की गीता। और शिव की गीता के आने से एक सेकंड में ब्रह्मा शिव विष्णु बन जाता है। वो सच्ची गीता है। और कृष्ण की गीता से क्या होता है? 2500 साल में स्वर्ग से नरक बन जाता है। और हाँ जी मुसलमान लोग कहते हैं कि जब कयामत होती है तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। वो 8 फरिश्ते नंबरवार होते होंगे या समान रूप से गुणवान होते होंगे? नंबरवार होते हैं। बाबा ने बताया है कि सतयुग में 8 गद्दियां होती हैं, 8 गद्दियों के 8 नारायण होते हैं, नंबरवार होते होंगे या एक समान कलाओं वाले होते होंगे? नंबरवार कलाओं वाले होते हैं। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उससे पहले 7 कृष्ण जैसे बच्चे और पैदा हो चुके थे, लेकिन उनमें अपनी आत्मा की कमजोरी थी पूर्व जन्मों की, इसलिए वो कंस के बहकावे में आ गए। कंस ने उनको मार लिया, खत्म कर दिया। वास्तव में कृष्ण से पहले प्रत्यक्ष होने वाले 7 नारायण 7 विधर्मियों से कनेक्टेड हैं। जो ऊपर से आने वाले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हैं वो नंबरवार उन्हीं नारायणों में प्रवेश करते हैं द्वापर युग से। वो 7 नारायण जो कृष्ण जैसे बच्चे सोला कला संपूर्ण सतयुग में आते हैं नंबरवार, वो 7 विधर्मियों के आधार मूर्त हैं। उनमें जो आखिरी नारायण है
वो सबसे नीचे तबके का है या सबसे ऊपर का है? सबसे नीचे तबके का है। इसलिए वो नीचे दिखाया हुआ है कछुआ के रूप में, कच्छप अवतार, जिसे कछुए की पीठ पर सब धर्म टिके हुए हैं। अभी आखिरी जन्म में उनका राज्य होता है। जो कछुए की तरह अपने इंद्रियों को समेट के बैठ जाते हैं, उनमें ये चित्त है क्या, जब चाहे इंद्रियों को समेट ले, और उनकी पीठ बड़ी मजबूत होती है। शास्त्रों में दिखाया है कि मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा गया, फिर सागर मंथन हुआ। तो सागर मंथन का सारा बोझ किसने सहन किया? कछुए ने। अब बेसिक नॉलेज में आ जाओ। बेसिक नॉलेज में जितना भी ज्ञान आया, उस सारे ज्ञान को किसने बहन कर लिया है? कोई ऐसा ब्रह्मा कुमार था जिसने बेसिक नॉलेज को सारा ही हप किया? कौन था? जगदीश भाई। तो कच्छप हुआ या नहीं हुआ? लेकिन एक होता है संसार को दिखाने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना, और एक होता है अपनी अंदर की तुष्टि हो जाए कि हमने इंद्रियों को कंट्रोल किया, हमने शक्तिपात नहीं होने दिया। तो जानवर अवतार के रूप में दिखाया गया है। ज्ञान का घमंड ज्यादा है, इसलिए ज्ञान जल का आधार लेने वाला है, कन्याओं माताओं को अपने कंट्रोल में रखने वाला। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है पांडवों को कन्याओं माताओं का गार्ड बन करके रहना है। अगर पांडव शक्तियों के गाइड बन करके रहेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगा। वो गड़बड़ आज माउंट आबू में देखा जा सकता है, लेकिन वो कछुए का फाउंडेशन था। कछुए में ये सिफ्ट होती है, जब चाहे अपने को गुप्त कर ले, ऊपर से कितनी भी मार पड़ती रहे उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही अंदर अंदर यज्ञ में अभी भी हो रहा है। आखिरी शासन चलता है आर्य समाजियों का। जो कहते हैं हमको कोई धर्म की सत्ता नहीं चाहिए, हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। कौन सा राज्य? हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, धर्म निरपेक्ष राज्य। बाबा ने बताया रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत होती है। जिस राजा का कोई धर्म नहीं वो नास्तिक होता है, और उसके राज्य में कोई सत्ता काम नहीं करती है, असत्य सत्ता होती है। आज प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य कोई राज्य नहीं है। राज्य तो वास्तव में भगवान ने आकर के स्थापन किया था, राजाओं का राज्य, और वो राजाओं का राज्य ही श्रेष्ठ होता है जो भगवान आकर के बनाता है। तो ये जो कच्छप है, कछुआ है,
ये सिर्फ दिखावा मात्र है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले अखबारों में देखने में आते हैं कि ये शासन करने वाले हैं, वास्तव में ये शासन करने वाले नहीं है, ये तो 5-स्टार होटल खोल करके अय्याशी करने वाले हैं, परंतु पकड़ में नहीं आ सकते। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है। अभी जो शासन चल रहा है वो कच्छ मच्छ का शासन चल रहा है, अभी भगवान का शासन आने वाला है। जिस शासन का गायन है यथा राजा तथा प्रजा, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। तो कछुए के ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है। दुनिया में अब कोई ऐसा देश नहीं रहा जहां उस कछुए का राज्य न हो, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य न हो। एक नेपाल था जहां राजा का राज्य गाया हुआ था, अब तक भी, अब वहां भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। तो पृथ्वी इस राज्य के ऊपर टिकी हुई है, ये क्या बात हुई? झूठे के ऊपर क्यों टिकी हुई है? क्योंकि उसमें भी ब्रह्मचर्य की मान्यता है। आर्य समाज भी ब्रह्मचर्य को मानते थे, भले दिखावे का ब्रह्मचर्य है। आर्य समाजियों का मुखिया कौन था? महर्षि दयानंद। गृहस्थी था या सन्यासी था? हैं? क्या था? सन्यासी था। तो ब्रह्मचर्य को तो मानता था, भले आज के सन्यासियों की पवित्रता प्योरिटी ब्रह्मचर्य कायरों का ब्रह्मचर्य है। जो हमारी भारत की परंपरा है, जो शिव के मंदिरों में देखने में आती है, शिव के मंदिर में माँ का भी चित्र रखा हुआ है और बाप भी शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है, दोनों साथ साथ दिखाए जाते हैं, अंग संग दिखाया गया है, लेकिन अमोघ वीर्य माना जाता है। माना अंग संग होते हुए भी उनके वीर्य का, रज वीर्य का क्षरण नहीं होता, इसलिए वो पूजे जाते हैं। देवताओं की जो प्योरिटी पूजी जाती है वो पवित्रता पूजी जाती है, वो सच्चाई की पवित्रता आज के इस धर्म में, इस राज्य में नहीं है, पहले कभी थी, अभी भगवान बाप फिर आकर के स्थापन करने आया पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो कछुआ के ऊपर ये सारी सृष्टि टिकी हुई और अष्टदेव को परीक्षा के साथ सताया के पक्ष को आठ परीक्षा उठाते, तो वो अष्टदेव के उसके साथ बताया कि हाँ ऐसा क्या है? उसका क्या उसके जो कछुआ बताया तो उसने क्या अष्टदेव के कोई होगा? जो पहला देव है वो कौन है? बाप स्वयं पहला देव है, पहले देवता में प्रवेश करता है, जो पहला नर से नारायण बनने वाला है, सतयुग का आदि नारायण, उसमें शिव सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो वो रथ हो गया, तख्त हो गया, अकाल तख्त हो गया। उस अकाल तख्त को जो भ्रकुटी में बैठने वाली आत्मा है वो कौन है? सुप्रीम सोल। उसको कौन उठाता है? वो आठ फरिश्ते उठाते हैं। कछुआ की जो बात लिखी है, तो आठवां जो नारायण बात लेता है वही कछुआ है। तो बेसिक में जो है तो वो तो आधार हुआ। हाँ, बेसिक में सब धर्मों का आधार हो गया। तो बीज, बीज इसमें बीज
और जड़ दोनों आपस में मिलकर के जब कार्य करते हैं तभी कार्य संपन्न होता है। आधार माने कन्याएं माताएं, बीज अर्थात बाप, माता भी चाहिए और बीज भी चाहिए। और